Good morning, hello and welcome to our show Sports Cafe. Our special morning show will discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. Apart from that, we'll also discuss ki aaj kaun-kaun se mukable khas taur par hone wale hain. Saath hi physical activity aur gymming किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए. और आपको बता दें, आज है 8 मार्च, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है और महिलाओं के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है. आइए एक नज़र डालते हैं इस मोटिवेशनल कोच पर. इंटरनेशनल वुमेंस डे, और अगर खास तौर पे बात करें जिस तरह से स्पोर्ट्स की हम बात करें तो बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं. अगर रियो ओलंपिक की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. तो समवेयर बिहाइंड द एथलीट यू हैव बिकम एंड द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड द कोचेज हु हैव पुश्ड यू इज अ लिटिल गर्ल हु फेल इन लव विद द गेम एंड नेवर लुक बैक. प्ले फॉर हर. ये वो सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिन्होंने नाम कमाया है और वो बडिंग एथलीट्स जो नाम कमाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं भारत का नाम रोशन करने के लिए. एंड टू डिस्कस मोर ऑन दिस वी आर जॉइंड बाय एन एक्सपर्ट इन द स्टूडियो. हमारे साथ हैं जानी मानी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं उत्तरांगदा. और अगर हम बात करें, आज महिला दिवस है तो आप किस तरह से देखती हैं स्पोर्ट्स में जो महिलाओं की भूमिका है? स्पोर्ट्स में महिलाओं की भूमिका, मुझे नहीं लगता उसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो इन ऑन द ऑन एरिना हो या ऑफ एरिना हो, बिना विमेन पार्टिसिपेशन और सपोर्ट के मुझे नहीं लगता स्पोर्ट्स को एक इंक्लूसिव इवेंट माना जा सकता. और शायद इसीलिए एंटरटेनमेंट के अलावा स्पोर्ट्स ही अकेला ऐसा एक फील्ड माना जाता है जहां पे एक बराबरी की चीज़ होती है. जितनी मेहनत लड़के करते हैं उतनी ही लड़कियां करती हैं और वैसा ही रिजल्ट आता है. तो बाकी मुझे लगता है कि हर दिन वुमेन का होता है. वी शुड सेलिब्रेट वुमेन एवरी डे बिकॉज दे आर वर्थ सेलिब्रेटिंग. तो एक अलग से दिन है, ये बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड सेलिब्रेट वुमेन एवरी डे. दे आर मच मोर देन जस्ट, दे आर वर्दी ऑफ मच मोर देन जस्ट वन डे इन एन ईयर. एग्जैक्टली. ऑन दैट नोट उत्तरा गणेशन, वील स्टार्ट आवर शो विद द हेडलाइंस. We'll start with the headlines from athletics. Pulela Gopichand plays a major role funds Duti Chand's overseas trip. Or news from badminton, All England Open Badminton 2017, Saina Nehwal and PV Sindhu scheduled for first round. Moving on, news from cricket, India versus Australia second test, India beat Australia by 75 runs to level series 1-1. And news from cricket again, Virat Kohli accuses Australia of crossing the lines on DRS. So we'll discuss about that. Let's take a look कि इन तमाम खबरों को किस तरह से अलग अलग अखबारों ने छापा है, एक नज़र डालते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एथलेटिक्स की. पुलेला गोपीचंद ने किस तरह से भूमिका निभाई? पुलेला गोपीचंद प्लेस बेनिफेक्टर फॉर ड्यूटी ट्रिप्स अब्रॉड, हिंदुस्तान टाइम्स से लिखता है. और अगर हम उत्तरा गणेशन इस चीज़ पर बात करें कि एक ऐसा कोच जिन्होंने हमें दो, एक सिल्वर मेडलिस्ट एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट दी है ओलंपिक में, अब उनका अरीना थोड़ा सा बढ़कर उन्हें लगता है द्युति चंद को क्यों ना स्पॉन्सर किया जाए, तो एक बहुत बड़ी बात हम कहेंगे, बहुत अच्छा प्रयत्न रहा. बिल्कुल है. और इससे ये पता चलता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो जेन्युइनली स्पोर्ट्स के बारे में सोचता है उसको आप किसी एक खेल से बांध के नहीं रख सकते. अगर आप सीरियसली इंडियन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स की इम्प्रूवमेंट की बात करते हो तो जो जेन्युइनली उस चीज़ के बारे में सोचेगा वो सिर्फ अपने खेल के बारे में नहीं सोचेगा, वो ओवरऑल सोचेगा. और अपने रिसोर्सेज से किसी को फंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की तारीख में चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपने पैसे खर्च करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी, खास करके एक ऐसे काम में जहां पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है उसके लिए. द्युति चंद के सक्सेस में गोपी चंद को शायद कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसको बैडमिंटन से जोड़ के देखा जाता है. पर जब ऐसा कुछ होता है तो आपको ये एहसास होता है कि एक इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी खेलों को दी है तो वो सिर्फ बैडमिंटन के लिए नहीं काम कर रहा है, वो खेलों के लिए काम कर रहा है. और वही शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है कि बाकी स्पोर्ट्स पर्सन जो वेल ऑफ हैं उनको आगे आना चाहिए उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जिनके पास शायद उतना सपोर्ट नहीं है आज की तारीख में. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है, एक साल बाद अगर हम बात करें 2018 में,
तो वहां पर एक ट्रायल इवेंट एक तरह से हम देखेंगे इसे। द्युति सिक्स पोजीशन पर आई, इन्होंने फंड किया और 7 मिनट 39 सेकंड्स का इन्होंने समय निकाला, लेकिन एक तरह से प्रिपरेशन है। शायद ये दबाव भी रहेगा द्युति के ऊपर कि इतनी स्पॉन्सरशिप की जा रही है, हर तरफ से मेरे बारे में सोचा जा रहा है इतने विवादों के बाद, तो मुझे अब अच्छा प्रदर्शन करना है। देखिए, द्युति ने जिस तरह से कमबैक किया है सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए और वो गई वहां पे, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रेशर उस तरह से उनके ऊपर होगा परफॉर्म करने का, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से ये सपोर्ट आ रहा है, खास करके सरकार से हट के इस तरह के जो सपोर्ट आते हैं, वो फाइनेंशियल फंडिंग से ज्यादा आपको मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि आपको ये रियलाइज होता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, आपके साथ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है और उसी से आपको एक बहुत बड़ा पुश मिलता है ये करने के लिए कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं। जो एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाती है उससे वो ये डिसाइड करता है कि क्या आप वाकई चैंपियन मटीरियल हो या नहीं हो। अगर वो कमबैक कर चुकी हैं अपनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इसके बाद, तो ये तो वो प्रूव कर चुकी हैं कि वो स्ट्रांग बहुत है। चैंपियन मटेरियल है या नहीं है मुझे लगता है, लेकिन वो उनको ऑन फील्ड अब परफॉर्म करके ये प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल, ओडिशा से निकलकर गई बर्मिंघम तब 18 फरवरी की अगर हम बात करें तो खुद उनके कोच एन रमेश ने भी यही बात कही है कि बहुत ही अच्छा मूव है, मुझे लगता है द्युति बहुत अच्छा करके दिखाने वाली है आगे भी। बिल्कुल, और ओलंपिक एक्सपीरियंस उनके पास होना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ओलंपिक्स में आप मेडल जीते वो तो बहुत अलग चीज हो जाती है, वो हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ओलंपिक्स में जाना और वहां पार्टिसिपेट करना जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो देयर इज नथिंग टू कंपेयर एन ओलंपिक एक्सपीरियंस विद एनीथिंग एल्स, और वो चीज क्योंकि अब द्युति के पास है तो उसे पता है एग्जैक्टली कि इंटरनेशनल और टॉप लेवल पे किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ, एग्जैक्टली, और आपको किस तरह से अपने आपको पेस करना है। वो जो स्मार्टनेस होती है एक वर्किंग की, वो आपको ओलंपिक एक्सपीरियंस देता है, जो मुझे लगता है उसको बहुत आगे काम आने वाली है। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई, कि किस तरह से सिंधु और साइना पर बहुत सी उम्मीदें टिकी हुई, एक नजर डालते हैं। अलग अलग अखबारों ने किस तरह से छापा है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है विमेन स्पेशल, तमाम बड़ी प्लेयर्स के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है और कितनी उम्मीदें सबने लगाई हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है इंडियंस होप टू कैरी नो बैगेज। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं जो कल से शुरू हो चुकी है। वहीं अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने लिखा है पुनप्पा रेड्डी जीती, सौरभ समीर हारे। तो बाकी खिलाड़ियों की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही एक एवरेज प्रदर्शन रहा है, लेकिन जिस तरह से नेहवाल से और सिंधु से जो उम्मीदें बरकरार हैं, हमारी टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वहां पर, जो हमने एक क्लिपिंग देखी उसमें तमाम बड़ी प्लेयर्स थी, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर रास्ता थोड़ा कठिन होगा? कठिन होगा, बट कहते हैं ना कि When the going gets tough, the tough get going. तो सिंधु और साइना के लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं है, वो जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं और परफॉर्म कर चुकी हैं, वो इस वक्त वर्ल्ड की टॉप प्लेयर्स में काउंट होती हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, स्किल वाइज हो, स्मार्टनेस वाइज हो। तो सिंधु साइना के लिए ये सोचना कि शायद मुश्किल होगा, हाँ मुश्किल बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके सामने जितने हैं वो सारे टॉप के प्लेयर्स हैं, चाहे वो कैरोलिना मेरिन हो, चाहे वो सुनयू हो, चाहे वो इचनोक हो, इंतनोन हो, रचनोक इंतनोन हो, चाहे जितने भी बड़े प्लेयर्स हों आपके सामने, लेकिन क्योंकि आप इन सबको हरा चुके हो कभी ना कभी पिछले 1-1.5 साल में, तो वो फियर फैक्टर तो खत्म हो गया है। जिस तरह से साइना नेहवाल 2 साल पहले हारी थी कैरोलिना मेरिन से, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक मेंटल ब्लॉक था, या कहीं ना कहीं शायद वो ऑलरेडी अपने आप को एक विनर देख रही थी और इमीडिएट गेम से हट गई थी। वो चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली जरूरत है कि आप मेंटली अपने आप को इन द मोमेंट रखो और जब तक खत्म ना हो आप खेलो उसको। फिजिकली स्किल वाइज मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिशन उस तरह से है जिसमें उनको दिक्कत होनी चाहिए, दे आर एज गुड एज एनीवन एल्स। मेंटली मुझे लगता है सिंधु शायद थोड़ा सा साइना से ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ओलंपिक मेडल, बट ओवरऑल जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है और जिस तरह का उनका करियर ग्राफ रहा है,
मुझे लगता है शायद सिंधु थोड़ा सा उनको ये एडवांटेज है कि वो साइना से मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस और वक्त। एक तरह से आपने साइना की बात की तो सर्जरी के बाद रिहाब के बाद दोबारा उन्होंने कोशिश की, कुछ चैंपियनशिप में हिस्सा भी नहीं लिया है तो यहाँ पर अपनी टक्कर जो एक नया ओपोनेंट आ जाता है तो मुकाबला कड़ा होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा साइना पे क्योंकि एक तो वो कमबैक कर रही है इंजरी रिहैब सारी चीजों से, उनके पास उस तरह से मैच प्रैक्टिस नहीं है जैसी होनी चाहिए एक बड़े टूर्नामेंट से पहले, और दूसरी चीज जब आप इतने टाइम बाहर रहते हो कोर्ट से और आप खेल नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड पे प्ले करता है कि एम आई फिट इनफ एंड आई एम रेडी इनफ टू गो एंड प्ले इन अ मेजर टूर्नामेंट लाइक दिस, तो वो चीज उनके ऊपर थोड़ी सी उनको शायद अफेक्ट कर सकती है। बाकी वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, हो सकता है उसको पूरी तरह से ओवरकम कर जाएं वो, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक बहुत स्लाइट एडवांटेज की बात कहें तो क्योंकि वो प्रेशर फैक्टर नहीं है सिंधु के ऊपर, वो उनके पास एक एडवांटेज है कि वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा सकती हैं। ये चीज है सिर्फ, ये एक हम मोरल बूस्टर भी रहेगा उनके साथ बिल्कुल तरह से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली हेडलाइंस जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से सीरीज को एक एक से बराबरी पर किया गया और क्या कुछ खास रहा, एक नजर डालते हैं। मेल टुडे लिखता है एश टर्न्स विनर, स्पिनर पिक सिक्स विकेट्स एज इंडिया विन टू लेवल सीरीज ऑन अ ड्रामेटिक डे। बहुत ही कैची हेडलाइंस के साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को छापा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है इंस्टेंट क्लासिक इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक विंस ऑन होम सॉइल, इंडिया प्रिवेल बाय 75 रन्स। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है अश्विन सेंस ओजी डाउन अंडर, इंडिया लेवल सीरीज। और करिश्माई एक सीरीज के तौर पर इसे देखा गया। और द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है स्मिथ कॉट चीटिंग इन टेस्ट ऑसीज फेल। बहुत ही मजेदार हेडलाइंस हम कहेंगे, बहुत ही रोचक हेडलाइंस। वहीं दैनिक जागरण लिखता है वाह अ स्पिन, व्हाट अ स्पिन, यानी कि वाह अ स्पिन, यानी कि अश्विन के लिए खास तौर पर लिखा गया है जो उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। हिंदुस्तान लिखता है अश्विन ने अग्नि परीक्षा में जिताया, अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया कल की सीरीज को। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है जो अखबारों ने लिखा था। कि अमर उजाला लिखता है अश्विन के आगे ऑस्ट्रेलिया ढेर, भारत ने बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 75 रन से हरा, सीरीज में एक एक से की बराबरी। दैनिक भास्कर लिखता है ऑस्ट्रेलिया पर भारत की सिल्वर जुबली टेस्ट जीत। तो यहां पर क्या कहेंगे उत्तरा की सिल्वर जुबली की जीत कही जा रही है और एक तरह से 6 विकेट जो ली है उसको बड़े अच्छे से पेश किया और अश्विन को इस चीज का सहरा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स हुआ था, बल्कि पहले टेस्ट में भी कोलैप्स हुआ था, उसके बाद वापस कमबैक करना, 112 पे ऑल आउट करना जिसमें मतलब 11 रन पे 6 विकेट गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी एक ऐसी पिच पे जहाँ पे ये लगातार कहा जा रहा था कि बैटिंग बहुत मुश्किल होने वाली है और हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले कुछ समय से, एक दो टेस्ट से, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है ये। और बहुत मेरे ख्याल से कमबैक से ज्यादा ये एक दरवाजा खोल देती है कि अब सीरीज में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को बहुत दिक्कत होने वाली है सीरीज जीतने में, क्योंकि इस तरह की जीत के बाद जो टीम का हौसला होता है इंडियन टीम का, खासकर कि जब से विराट कोहली कैप्टन बने हैं जो कि एक बहुत एग्रेसिव और पॉजिटिव कैप्टन माने जाते हैं, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से अपनी सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया है और उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर हम अगले दोनों टेस्ट बहुत अच्छी तरह से जीत जाएं और 3-1 से ये सीरीज जीतें, क्योंकि आपने एक हारी हुई टीम जो पूरी तरह से डाउन एंड आउट थी, पहले टेस्ट में आपने खत्म कर दिया था इंडियन टीम को, फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी लीड ले ली थी एक ऐसी पिच पे जो लगातार बहुत दिक्कत दे रही थी वहां पे, उसके बाद फिर कमबैक करना, फिर पहले इंडिया की बैटिंग ने चीजें संभाली 200 रन के आगे क्रॉस किया, उसके बाद फिर बॉलर्स ने आके जिस तरह से किया काम, फोर्थ डे पे मैच खत्म किया, मुझे नहीं लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ का इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल हो सकता है। और स्टीवन स्मिथ को अब सोचना पड़ेगा क्योंकि उनको चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो कैसे करेंगे, अगले दो टेस्ट में आसान नहीं होगा, इंडिया के जीतने के चांसेस पूरे हैं। बहुत ज्यादा इंडियंस कैन बाउंस बैक इजीली, दिखा दिया इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल। और बाउंस बैक से ज्यादा ये चीज है कि मतलब
रियलाइज करना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमें अपने हिसाब से कैसे खेलना है। वो बीच में शायद कुछ देर के लिए ये भूल गए थे, वो ऑपोजिशन के हिसाब से खेलने लगे थे। और जब आप दूसरे के हिसाब से खेलते हो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, हर खिलाड़ी जब दूसरे के हिसाब से खेलने लगता है तो वो अपने गेम में हमेशा खराब होता है। कल तो हमने ये दिखाया कि अश्विन की जो स्ट्रेंथ है, जी जो अश्विन की स्ट्रेंथ है, उसने अपने हिसाब से खेला, जो रहाने के रन्स बने वो उन्होंने अपनी गेम खेल के फिर रन्स बनाए। तो जब आप अपने हिसाब से खेलते हो तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते हो, और वही चीज उन्होंने दिखाई है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है, हम अपना जब स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेंगे तो हम उनसे बहुत बेटर हैं, और ये इन्होंने कल प्रूव किया है। बिल्कुल, और मैच सीरीज शुरू होने से पहले बहुत सारे बयान आ रहे थे एक महीने से कि हम स्लेजिंग का जवाब देंगे या फिर हम ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, हम ये प्लेयर्स के साथ ये खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में कोशिश की करके दिखाने की, लेकिन कोई दबाव दिखा नहीं इस बार इंडिया पर। बिल्कुल, और दबाव मेरे ख्याल से, मैं फिर वही कहूंगी कि जो स्लेजिंग या मेंटल दबाव जो होता है या उस साइकोलॉजिकल दबाव होता है, वो तो मुझे नहीं लगता था। प्रॉब्लम जो पहले टेस्ट में भी हुई वो यही थी कि आप अपना गेम नहीं खेल रहे थे। आप जो टेस्ट है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंपॉर्टेंस है उस टेस्ट की, आप उसके हिसाब से उसमें बह गए थे। तो आपने अपने ऊपर प्रेशर अपने आप ले लिया था कि आप अपने सामने वाले को देखा नहीं है, इसीलिए आपने अपने आप पे प्रेशर ले लिया कि हम एक बहुत बड़ा टेस्ट खेलने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से खेलने लगे थे। जब आपने ये सोचा है कि हम टेस्ट को सिर्फ टेस्ट के हिसाब से खेलेंगे, हम अपने हिसाब से गेम खेलेंगे, तो वो सारी चीजें सॉल्व हो गई। बिल्कुल, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है क्रिकेट से ही जुड़ी हुई, और विराट कोहली, ये पूरा प्रकरण जो रहा DRS को लेकर, नजर डालते हैं तमाम अखबारों ने क्या कुछ लिखा है। कोहली स्टर्स अब DRS डिबेट, मेल टुडे लिखता है, और बहुत सारी बातें उठी DRS को लेकर, और किस तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, चीट गेट एरप्ट्स आफ्टर स्मिथ्स ब्रेन फेड, और DRS प्रोटोकॉल्स को लेकर बातें कही गई, और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कोहली स्लैम्स ड्रेसिंग रूम रिव्यू, कि ड्रेसिंग रूम रिव्यू DRS को इस तरह से कहा गया कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। दैनिक जागरण लिखता है बेईमानी करते पकड़े गए स्मिथ, रिव्यू लेने से पहले क्या कुछ किया गया। हिंदुस्तान लिखता है स्टीव ने मदद मांगने की गलती स्वीकारी, स्टीव स्मिथ को यह स्वीकार करने में कोई पछतावा नहीं है कि उन्हें DRS का फैसला लेने से पहले ड्रेसिंग रूम में थे वो, और अमर उजाला लिखता है DRS पर स्मिथ कोहली में तकरार, और दैनिक भास्कर ने लिखा है कप्तान स्मिथ की आलोचना। तो स्मिथ की आलोचना हर तरफ की जा रही है, और DRS पर जो कोहली ने अपना बयान दिया है, थोड़ा मैच्योर लग रहे हैं। बिल्कुल, और स्मिथ ने ये एक्सेप्ट जरूर किया है, लेकिन अगर ये गलती है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि DRS रिव्यू जो है उसका अगर सेक्शन 3.2 बहुत क्लियरली कहता है कि आप सिर्फ अपने साथी बैट्समैन के साथ डिस्कस कर सकते हो रिव्यू लेने के लिए, आप ड्रेसिंग रूम से कोई मदद नहीं ले सकते हो। तो अगर स्मिथ ने ये एक्सेप्ट किया है तो उन पे एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कोई और खिलाड़ी करता तो आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो उनको, कैप्टन से आप ऐसी गलती नहीं एक्सपेक्ट करते हो, और कैप्टन को उस चीज के लिए लीवे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कैप्टन पूरी टीम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर कैप्टन ही ऐसी गलती करेगा, और कितना सही है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोहली ने ये कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो फील्डिंग करते वक्त भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, स्टीवन स्मिथ ने 2-3 बार ऐसा किया, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा कि DRS लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर ये बात सही है तो इससे बहुत क्लियरली प्रूव होता है कि ये स्मिथ ने जानबूझ के किया है, ये उनकी गलती नहीं थी या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था या फर्स्ट मिस्टेक नहीं थी। और अगर ये लगातार, मतलब यही है क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी हो, एग्जैक्टली, तो अगर विराट कोहली की बात सही है और मैच रेफरी या अंपायर्स अपनी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ फील्डिंग के वक्त भी ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है, तो फिर ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के की हुई गलती है, ये आप कोशिश कर रहे थे अंपायर्स को धोखा देने की या सिस्टम को धोखा देने की। और ऐसे केस में मुझे लगता है कि फिर स्मिथ के ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए, और मैच्योरिटी बिल्कुल उसने दिखाई विराट कोहली ने, स्पेशली जब उन्होंने ये कहा कि जहां तक हमारी बात है, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो ग्राउंड पे लेते हैं, ड्रेसिंग रूम से नहीं लेते हैं
अपने इंस्ट्रक्शंस, तो उन्होंने सरकास्टिक कमेंट भी किया था, लेकिन उसमें एक मैच्योरिटी भी दिखी कि कैप्टन के तौर पे आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, आप हर बात पे एग्रेसिव होके लड़ने नहीं जा सकते हो। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि मैच रेफरी की क्या या मैच रेफरी की क्या रिपोर्ट आती है इस पूरे मामले में, या अंपायर्स की क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन डेलिबरेटली किया गया था ये बिल्कुल क्लियर है, आपने बाकायदा उनको सिग्नल किया गया कि मेरे को बताइए क्या करूं, तो मुझे लगता है एक्शन लिया जाना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, न्यूज फ्रॉम गोल्फ, अब नजर डालते हैं कि SSP चौरसिया को लेकर क्या कुछ लिखा गया है तमाम अखबारों में, उन्होंने किस तरह से बयान दिया है कि आगे वो क्या अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। मेल टुडे लिखता है, रेडी टू रोर, चौरसिया सेट टू डिफेंड हीरो इंडिया ओपन टाइटल, लाहिरी जीव टू प्रोवाइड अनदर। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, फॉर अनिर्बान कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, नो होम एडवांटेज ऑन इंडियन ओपन सेज SSP चौरसिया। और गोल्फ को लेकर बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट ये हो रही है कि अच्छा प्रदर्शन जारी है तमाम गोल्फर्स का। बिल्कुल, और इंडियन ओपन सबसे बड़ा इवेंट है गोल्फिंग, उस गोल्फिंग कैलेंडर का इंडिया में, तो मुझे लगता है और उस और जिस तरह से चौरसिया ने पिछली बारी खेला था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस बार वो। चलिए, अब सेगमेंट है हमारा खास तौर पर फिजिकल फिटनेस का, कि जिमिंग जब करें तो क्या कुछ ख्याल रखें, थोड़ा सा समय निकालें, क्यों नजर डालते हैं कि जिमिंग क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं बॉडी इज अ टेम्पल, और इस टेम्पल को फिट रखना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे जिमिंग की, जिम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी पोस्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सही बॉडी पोस्चर सही तरीके से ही आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप, संदीप जो कि 7 times मिस्टर दिल्ली और 3 times मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूनम जी, संदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो नए लोग हैं जो जिम को अभी अभी अपना रहे हैं या अपनाना चाहते हैं, उनको क्या बातों का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बॉडी पोस्चर रखना चाहिए, क्या मूवमेंट्स होने चाहिए, इन सब के बारे में हमें ज़रा विस्तार से बताएं। पूनम जी, इसमें बहुत सी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने सही ट्रेनर का चुनाव करें आप, वही आपकी गलतियाँ बता सकता है कि आप सही करें या गलत। हर किसी, जितने भी हमारे जो दोस्त हैं जो जिम जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं होता है। ये आपका चुनाव कोच ही कर सकता है, वही आपको बता सकता है कि आपने गलत किया है या सही किया है, या आपका पोस्चर कैसा है। अगर आप गलत पोस्चर से करेंगे, टेक्निक से, गलत टेक्निक से करेंगे, तो आपका कुछ भी मसल इंजर्ड हो सकता है, जिसके आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा आपको, एक ट्रेनर की इसलिए हमेशा ज़रूरत होती है। ये बात तो ठीक है संदीप जी, आप हमें एक बात और बताएं कि वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो कॉम्बो एक्सरसाइजेज होती है, लाइक अगर आप चेस्ट की कर रहे हैं तो किस तरीके का वार्म अप होता है, अगर आप एब्स कर रहे हैं तो किस तरीके का वार्म अप होता है, वार्म अप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। जी पूनम जी, मैं आपको और अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि वार्म अप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना वार्म अप किए अगर वर्कआउट करते हैं, तो आप इंजर्ड होना ही होना है आपको, और आप जिम के जगह फिर डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे। तो बेहतर है कि आप हमेशा वार्म अप करें, अगर नहीं पता तो अपने ट्रेनर से गाइड कीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरह का वार्म अप करना है, क्या करना है, किस टेक्निक से करना है। लापरवाही बिल्कुल मत बरती है। अब संदीप जी हमें दिखाएंगे कि सही तरीका क्या है और सही बॉडी पोस्चर क्या होता है एक्सरसाइज का। आइए दोस्तों, कुछ हम आपको आपकी बेसिक एक्सरसाइजें बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करने से पहले। आइए, चलिए स्टार्ट। जंपिंग जैक, सॉरी मिलिट्री जंप, गुड, और फास्ट फास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुड। जंपिंग जैक, यस, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्टॉप, यस, नी रेज, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ऊपर, गुड, 10, स्टॉप। अब करेंगे हम सुमो स्क्वाट, यस, स्टार्ट, पोजीशन चेंज, पैर और खोलो थोड़ा सा, गुड, स्टार्ट, यस, कौन, 1, 2,
तीन चार पाँच फास्ट, छः सात आठ नौ दस स्टॉप। आइए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से वर्कआउट करने का सही तरीका बताता हूँ। ये हमारे विक्की जी हैं, ये आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। आइए विक्की जी, एक मिनट, ये गलत तरीका है। कभी भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमेशा लाइट से स्टार्ट कीजिए, कभी भी हैवी मत कीजिए। जैसे कि इस तरीके से, क्योंकि वेट निकालो, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए पूरा मेजर करके, और फिर इसे धीरे से लिफ्ट करते हैं हम वेट को। लिफ्ट करो और धीरे धीरे नीचे लाते हैं, नीचे टच करके, शाबाश, गुड। आप पूरा लिफ्ट अप, ये है सही तरीका। हमेशा कभी भी आप स्टार्ट करें तो इस तरीके से। वेट बढ़ाना है वो अगले सेट में बढ़ाइए। एक एक्सरसाइज से कम चार सेट लिए जाते हैं अगर अच्छी बिल्ड करनी है, और ज़्यादा अगर मस्कुलर करना है तो 5 से 6 भी जा सकते हैं, और रेपिटेशन आपको कम से कम 12 रखने होंगे। अगर इसमें कम रखते हैं तो वो पावर लिफ्टिंग में आ जाता है। अगर फिट रहना है आपको तो कम से कम 10 से 12 ये रैप रखने चाहिए। आइए दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज को हम अच्छे से करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से, ये इसका सही तरीका क्या है करने का। आइए चलिए सर, इसे कहते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। जितने भी लड़के जिम में जाते हैं तो उन सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी छाती हो, सीना चौड़ा हो, तो इस बेंच या इस एक्सरसाइज के बिना किसी का नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है चेस्ट के लिए, और इसको हमें अगर करना है, अगर ब्रॉड करना है तो 10 से लेके 12 तक रेपिटेशन रखने होते हैं, कम से कम 4 सेट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी छाती नहीं बन सकती। तो आज जिमिंग सेशन में हमने जाना, जैसा कि हमारी को-होस्ट पूनम ने बताया कि वार्म अप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। कि उतरा अगर हम बात करें जिमिंग की, तो जो लोग जिम नहीं जा पाते या कोई भी कारण है, अगर हम फिनेंशियली देखें या फिर टाइम नहीं है, कुछ भी है, तो क्या कोई फिजिकल एक्टिविटीज करना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट टू स्टे फिट, बट उससे आप कि ओवरऑल सिर्फ बॉडी पे असर नहीं पड़ता है, आपको आप मेंटली भी बहुत काम होते हो और बहुत फ्रेश होते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप जिमिंग करें या आप उसके लिए स्पेशली टाइम निकाल के वर्कआउट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लिफ्ट से ऑफिस आने लिफ्ट में ऊपर नीचे होने के बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर 1 किलोमीटर दूर मार्केट जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी निकालने के बजाय आप पैदल चले जाएं और वापस आ जाएं। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आपको एक फिक्स टाइमलाइन नहीं चाहिए होता है, बस इतना कर लीजिए कि आपका शरीर इतना हिले कि आपके हाथ पैर सब ठीक ठाक उनकी वर्जिश हो जाए एक दिन की। तो आज वुमेन्स डे है, जिन लोगों ने अपने रेजोल्यूशन तोड़ दिए नए साल पर, उन विमेन स्पोर्ट्स पर्सन को और बडिंग एथलीट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि एक सेकंड चांस मिला है, 3 महीना लेट से ही, लेकिन अब भी एक रेजोल्यूशन बनाया जा सकता है कि अगले 9 महीने में आप अपने आप अपना वो अचीव करें, और आज को एक न्यू ईयर की तरह काउंट करके आज से शुरू करें अपनी चीजें। बिल्कुल। और उत्तरा गणेशन, आप यहाँ स्टूडियो में आई, कीमती वक्त दिया अपना और चर्चा की अहम खबरों पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन सा मुकाबला खास तौर पर होने वाला है। आप देख सकते हैं आज 8 मार्च 2017 खेल में आज क्या खास होने वाला है। बांग्लादेश टीम का श्रीलंका दौरा, टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। और वही कि आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स कैफे को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ये सारी साइट्स हैं, फेसबुक @ दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर @ डी डी स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब @ दूरदर्शन स्पोर्ट्स, एंड ऑन इंस्टा @dd.sports। So that's all we have for you in today's Sports Cafe. Till we see you tomorrow, it's goodbye from the entire production team. Aur ek baar phir se aap sabhi ko International Women's Day ki bahut bahut shubhkamnaein. Namaskar.